रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी चिकन मुगलाई बिरयानी। ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है इसको बनाना। तो आप मेरे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि कोई पार्ट मिस ना हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये चिकन लिया मैंने 1 kg, इसको धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया। 1 tablespoon मैंने गरम मसाला लिया और 1/2 teaspoon ज़ीरा, 1 tablespoon धनिया पाउडर लिया, 1 tablespoon हल्दी पाउडर लिया, 1 tablespoon सुरख मिर्च पाउडर लिया, 1 tablespoon ज़ीरा लिया, 1 tablespoon मैंने नमक लिया, 2 tablespoon लहसुन अदरक का पाउडर लिया है, 3 medium size प्याज मैंने बारीक बारीक काट के इसको ना फ्राई कर लिया था, तो 1.5 cup मैंने दही लिया है, 1 cup ऑयल लिया है, 4 tablespoon बादाम लिए हैं और 2 tablespoon काजू लिए हैं। तो 1 packet मैंने ये बिरयानी मसाले का लिया और ये साबुत मसाले हैं 2, 3, 4, ये तेज़पत्ते, 3 अदद ये बड़ी इलायची, 4-5 ये छोटी सब्ज़ा इलायची, 2 से 3 अदद ये बादियान फूल, 2-3 ये टुकड़े दालचीनी के और 1 tablespoon मैंने ये काली मिर्च ली है साबुत। ये काली मिर्च 1 tablespoon लिया, तो 10 से 12 अदद लौंग लिए हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये दही डालूंगी इसके अंदर 1.5 cup, लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी पाउडर और सुरख मिर्च, नमक और साबुत ज़ीरा, पिसा हुआ गरम मसाला और ज़ीरा, सूखा धनिया, साबुत मसाले जो मैंने लिए थे, ये बिरयानी मसाले का पैकेट, तो ये किशमिश मैंने ली है थोड़ी सी, 2 tablespoon मैंने इसको रोस्ट कर लिया थोड़ा थोड़ा, ये भी इसके अंदर ऐड करूँगी। ये बादाम जो 4 tablespoon थे मैंने रोस्ट कर लिए थे और इसको मैं सारे नहीं मैं डालूँगी, आधे इसके अंदर डालूँगी और आधे मैं रख लूँगी ऊपर दम कर। और ये काजू है, ये भी मैं सारे नहीं डालूँगी, ये थोड़े थोड़े क्रश कर लिए थे मैंने, हाथों से ही तोड़ लिए थे, ये इतने मैं रख लूँगी थोड़े। और ये प्याज है ये फ्राई किया हुआ, तो अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। तो बिरयानी बनाने के लिए 1 kg मैंने चावल लिए हैं, ये मैंने 1/2 घंटा पहले भिगो दिए थे। तो अब मैं इसको बॉईल कर लूँगी, इसमें ये 1 cup दूध है इसके लिए और ये सब्ज़ धनिया थोड़ा सा और वो पुदीने का 2-3 पत्ते और ये नींबू का रस है 2 tablespoon और थोड़ा सा ज़रदा रंग है, ये 2 tablespoon नमक डाल के इसको मैं बॉईल कर लूँगी। तो पानी को बॉईल अप आ गया है, मैं ये नमक डाल दूँगी और ये नींबू का रस ये भी इसके अंदर डाल दूँगी और चावल इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब चावल इसको मैं डाल देती हूँ, तो अब फुल फ्लेम पे मैं इसको 5 मिनट के लिए बॉईल करूँगी। 5 मिनट में ये हाफ़ बॉईल हो जाएंगे, हाफ बॉईल ही हमें चाहिए। ये बिरयानी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनती है, ईद पे बनाएं, रमज़ान में बनाएं, अपने मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, बहुत मज़े की बनती है। तो 2 tablespoon के बराबर मैं इसमें ऑयल डाल दूँगी, ये चावल जुड़ेंगे नहीं। 5 मिनट हो गए हैं, ये ऐसे ही हमें चाहिए। देखिए तो अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ, तो इसको छान लेती हूँ। तो 1 घंटा हो गया हमारे चिकन को मैरिनेट हो गए, इसके ऊपर मैं चावल डाल दूँगी, इसके ऊपर से सेट कर। अब जो दूध मैंने रखा था लेस के ऊपर,
और ये थोड़े से काजू और बादाम भी इसके ऊपर ऐसे ढेर लगा दो। ये सदा रंग जो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दूध डाल के मैंने इसको इतना कर लिया। थोड़ा सा ये धनिया सब्ज और दो तीन पुदीने के पत्ते, 5 से 10 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे रखूंगी और इसके बाद मीडियम कर दूंगी, मीडियम लो तो दम वाला फ्लेम, तो इसके नीचे तवा रख दूंगी, फिर ये नीचे से जलेगा नहीं। अब 20 मिनट के बाद मैंने ये तवा इसके नीचे रख दिया है और अब आँच बिल्कुल स्लो कर दूंगी। अब 20 मिनट और इसको ऊपर रखूंगी दम पे, तो 20 मिनट के बाद फिर देखते हैं। तो अब 35 से 40 मिनट हो गए दम पे रखे हुए, तो अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ, तो इसको देखते हैं क्या हाल है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो लें जी हमारी ये मुगलाई बिरयानी बन के तैयार है। तो आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती है। तो इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।